जो आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण की जो लेसन पढ़ेंगे उसका नेम है एक और अनेक, ठीक है, मतलब नंबर्स। ये आपको पता है ना, कुछ चीजें जो है वो एक होती है और कुछ चीजें अनेक होती है, मतलब अनेक से सेंस बहुत सारी होती है, और एक मतलब एक। देखिए जैसे हमने पिक्चर्स बनाए हुए हैं, देखिए ये जो काइट बनी हुई है ये कितनी है, एक। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक। ये फ्लावर्स जो है ये कितने बने हुए हैं, अनेक। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अनेक, क्योंकि ये बहुत सारे हैं, ठीक है। ये पेंसिल, पेंसिल ये एक है कि अनेक है, ये अनेक है, तो हम यहाँ पर अनेक लिखेंगे, क्योंकि ये पेंसिल भी बहुत सारी है, सिंगल वन नहीं है। ये देखिए बॉल जो है ये वन है कि नहीं है, मतलब कि एक है कि अनेक है, अनेक है नहीं है ना, एक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे, ठीक है। आपको ये समझ में आया, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। देखिए हम कौन से चैप्टर पढ़ रहे हैं आज, एक और अनेक। एक कौन सी, एक कैसी होती है चीज, जो ओनली वन होती है, ठीक है, और अनेक मतलब बहुत सारी चीजें। तो देखिए जैसे हमने आपको पिक्चर से बताया, ये काइट जो बनी हुई है ये एक है, और ये फ्लावर्स जो बने हुए हैं ये अनेक है, ये पेंसिल जो है अनेक है, और ये बॉल जो है वो एक है, क्योंकि ये बहुत सारे हैं इसलिए इसको अनेक कहते हैं, और ये सिंगल इसलिए इसको एक कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ नाम लिखे हैं, चूहा, किताबें, घोड़ा, घड़ी, पत्ते, लड़के, एक, अनेक, ठीक है। एक और अनेक हमने इसलिए लिखा है कि ये जो चीजें हैं इनमें से हमको ये देखना है कि कौन सी चीज एक है और कौन सी चीज अनेक है, ठीक। देखिए जैसे हम आपको बताते हैं चूहा, ये आपको क्या समझ में आ रहा है, चूहा है तो ये एक है ना, अगर चूहे होता तो ये अनेक होते, ठीक है। तो चूहा को हम एक में लिखेंगे कि अनेक में लिखेंगे, एक में लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या राइट किया, चूहा, ओके। उसके बाद देखिए किताबें, किताबें मतलब बहुत सारी किताबें है ना, सिर्फ अगर किताब होता तो हम उसको एक में लिखते, लेकिन यहाँ पर किताबें हैं तो हम उसको अनेक में लिखेंगे, तो हम यहाँ क्या राइट करेंगे, किताबें, ठीक है। अब देखिए घोड़ा, अगर सिंगल ये घोड़ा लिखा हुआ है तो हम इसको एक में लिखते हैं, अगर ये घोड़े लिखा होता तो हम इसको अनेक में लिखते, ठीक है। तो हम यहाँ